हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कान्हा जी कृपा से आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ विराजित हैं हमारे कान्हा गिद्ध कन्हैया, और यहाँ पे होगी इनकी मालिश, और ये है रात्रि का समय, और यहाँ पे रखे इनकी वो वस्त्र जो मैं लेके आई हूँ बिहार पंचमी के लिए, तो आपको दिखाऊँगी। और ये यहाँ लगा है इनका बिस्तर, यहीं पर सोते हैं वो। चलिए पहले आपको मैं दिखा देती हूँ कन्हा गिद्ध कन्हैया के वस्त्र। ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ क्योंकि ऑलरेडी उनके पास है और यहाँ कुछ मिल भी नहीं रहा था। तो ये है स्वेटर दो, ये है कान्हा और गिद्धर की, ये हैं ड्रेस के साथ पहनाती हूँ इनको मैं। और ये मोतियों की माला है कन्हैया की, और ये कन्हैया की कॉटन में बनियान टाइप का है अंदर से पहनने के लिए। जब वुलन ड्रेस पहनेंगे तो अंदर से इसको पहनेंगे क्योंकि वुलन ड्रेस चुभने लगती है। और ये है इनके ड्रेस यानी कि कन्हैया की। तो ज़्यादा कुछ यहाँ भी मिल नहीं रहा है क्योंकि सर्दी यहाँ भी स्टार्ट हुई है, तो अभी लेके आई हूँ, फिर देखते हैं आगे। क्यों लल्ला, अच्छी लग रही है ना ड्रेस? लल्ला कुमारी बहुत सुंदर लगी है, और लल्ला कुमारी ब्लू आजकल बहुत अच्छा लग रहा है, तो ब्लू ही हमें पसंद आता है, और कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आती। और ये है उनका कैप यानी कि वूलन टोपा। क्यों लाला, अच्छी है? लाला को पता नहीं अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग रही। अच्छी नहीं लग रही है तो अच्छी नहीं लग रही होगी, दोबारा से दूसरी ड्रेस लेके आएंगे। और कान्हा गिद्ध आप भी देख लो अपनी ड्रेसेस, अच्छी है ना? इनका तो ऑलरेडी पसंद आ जाती है जब से कन्हैया आए, बेचारे शांत शांत रहते हैं दोनों। तो ये तो बहुत नटखट हैं, देखो इनकी मुस्कान, मुस्कुरा रहे हैं बैठे बैठे। तो यहाँ पे मैं अग्नि जलाऊंगी इनको सेकने के लिए क्योंकि ठंड ज़्यादा है, उसके बाद होगी इनकी मालिश। तो हमने अग्नि जला दी है और कान्हा गिद्ध की मालिश हो गई है। अब वो बैठ के आराम से आग सेक रहे हैं और बहुत ठंडी हो गई थी। अब कन्हैया की मालिश होगी, कन्हैया की मालिश मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि कान्हा गिद्ध छोटे हैं तो उतनी आसानी से आप नहीं देख सकते हो, लेकिन कन्हैया की मालिश आप लोग बहुत ही आसानी से देख सकते हो। तो देख लीजिए भले इनको कैसे आग सेक रहे हैं आराम से बैठे बैठे। तो ये दृश्य देख के आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, किसको किसको अपने गाँव की याद आई है। तो चलिए अब चलते हैं कन्हैया की मालिश करने। तो यहाँ अब होगी कन्हैया की मालिश, और पिल्लो रख के कन्हैया को हम लेटा देंगे, और नीचे कान्हा गिद्ध आग सेंक रहे हैं। मैंने बगल में वीडियो लगा दी है, आप लोग देखिएगा, क्योंकि नीचे है तो आग तो दिख रही है लेकिन कान्हा गिद्ध नहीं दिख रहे हैं। तो मैं बेबी जॉनसन ऑयल से कन्हैया की मालिश करती हूँ कान्हा गिद्ध की भी। तो हमने मालिश स्टार्ट कर दी है, और हमेशा सर्दियों में आग जलाकर ही मालिश करिएगा, चाहे अपने बच्चे हों या फिर अपने प्रभु हों। तो क्योंकि ठंड है, ठंड के मौसम में हम कपड़े उतार के मालिश करते हैं अपने लालाओं की, तो उनको ठंड लग जाएगी। इसके लिए आप लोग आग ज़रूर जलाइएगा, और आगे बहुत कुछ मैं दिखाऊँगी आपको क्या क्या करना है। तो साथ बनी रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो कन्हैया की हमारी मालिश हो रही है, और मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो आप जैसे बेबी की मालिश करते हो अपनी गर्दन में, पैर में, कमर में और बाजुओं में, वैसे ही मालिश आपको अपने प्रभु की करनी है क्योंकि वो भी बैठे बैठे थक जाते हैं। तो यहाँ पर कन्हैया हमारे बड़े प्यार से मालिश करवा रहे हैं। चलिए आपको भी उनका फेस दिखाऊंगी, आपकी तरफ फेस कर देती हूँ। ये देखिए आराम से मालिश करवा रहे हैं, बड़े आनंद आ रहा होगा इनको। ये देखो भाई, ये प्यारी प्यारी सी स्माइल आ रही है फेस में, और वो बहुत खुश हो रहे हैं। बच्चे रोते हैं लेकिन हमारे कन्हैया पता है रोते नहीं हैं। कन्हैया की मालिश हो गई है, अब मेन काम आपको ये करना है कि अपने हाथों को गर्म करके आग से अपने प्रभु के शरीर को सेंकना है, क्योंकि मालिश करते करते ठंडा मौसम है तो ठंडी भी लग जाती है उनको। तो
तो ऐसे सेकने से उनकी बॉडी गर्म हो जाएगी और उन्हें बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। वैसे हम अपने बच्चों को भी सेकते हैं, तो देखिए कितने खुशी मन से आराम से हमारे कन्हैया अपनी बॉडी से खुआ रहे हैं। और कान्हा के इधर भी, उनको मैंने ऑलरेडी पहले भी सेंक दिया था, लेकिन अभी थोड़ा सा और सेंक दे रही हूँ क्योंकि बहुत देर से वो आपके सामने बैठे हैं, तब उनको ठंडी भी नहीं लग रही होगी। तो कंबल मन हटा दिया है और उनको ऐसे सेंक देंगे। तो कान्हा गिद्ध कन्हैया दूध का भोग लगा चुके हैं, अब वो जाएंगे डायरेक्ट सोने। तो चलिए कान्हा गिद्ध कन्हैया को सुला देते हैं, लेकिन उसके पहले कन्हैया को वस्त्र पहना देते हैं। कान्हा गिद्ध नहीं पहनाऊंगी, उनका जो कंबल है हुडी कंबल है उसी को ओढ़ के सुला दूंगी। तो हुडी जैकेट है ये कन्हैया की, तो पहना देंगे क्योंकि बच्चों को रात में बिना कपड़ों के सर्दियों में नहीं सुलाना चाहिए। तो हमारे लल्ला अब अपनी हुडी जैकेट पहन रहे हैं, ये देखिए लग रहे हैं ना पूरे हमारे बेबी, ये देखो कितने खुश हैं। अब कन्हैया को भी थोड़ी देर के लिए मैं नीचे बैठा देती हूँ आग के पास, वो भी आराम से सेंक लेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत इंजॉय बनता है। और हम लोग सब लोग बातें करते रहेंगे अपने कान्हा गिद्ध कन्हैया से, ये देखिए ऐसे बैठे हैं। और दोनों यानी कि तीनों लोग आनंद ले रहे हैं सर्दियों में आग का। तो चलिए अब इनको हम सुला देते हैं। तो कन्हैया की पिल्लो रखी है ये, आग भी अब ख़त्म हो आई है। तो कन्हैया के पिल्लो को हम लेके चलते हैं कन्हैया के बिस्तर पे। ये है बिस्तर, ये पिल्लो कान्हा गिद्ध की और बड़ी वाली पिल्लो है कन्हैया की। तो बिस्तर में मच्छरदानी लगा है जिससे उन्हें आराम रहेगा, मच्छर वगैरह रात में नहीं काटेंगे। तो आग बुझ चुकी है, थोड़ा ही बाकी है, तो चलिए इनको हम पिला देते हैं पानी, क्योंकि मुझे भी गर्मी लगने लगी थी तो मुझे लगा कि इन्हें प्यास लगाई होगी क्योंकि आग सेकते सेकते काफ़ी गर्म हो गया था रूम। अब कान्हा गिद्ध को भी पानी पिलाऊंगी, इसके लिए उन्हें उठाना पड़ेगा, तो मैं कैमरा थोड़ा सा बंद करती हूँ, उन्हें उठा के हम पानी पिलाते हैं। और कान्हा गिद्ध कन्हैया आ गए हैं अपने बिस्तर पे और आराम से लेट गए हैं, ये देखिए ये लेटे हैं हमारे कान्हा गिद्ध और ये लेटे हैं कन्हैया। तो चलिए इनको थोड़ा थोड़ा कंबल उड़ा देते हैं क्योंकि बॉडी उनकी काफ़ी गर्म थी, ज़्यादा नहीं ढकेंगे। उस टाइम मुझे गर्मी लग रही थी, मुझे लग रहा था इन्हें भी गर्मी लग रही होगी। और मैंने कह दिया लल्ला सर्दी लगे तो कंबल अच्छे से ओढ़ लेना क्योंकि अभी तो गर्माहट है तो सही नहीं लगेगा अगर मुझे मैं उन्हें पूरी तरह से कंबल ओढ़ा दूँ। तो उनका मच्छरदानी की चैन बंद कर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए हरे कृष्णा राधे राधे। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। हरे कृष्णा राधे राधे।